कहानी और ये सफ़र स्टार्ट होता है सुबह 11 o'clock एक ऊबर राइड से। हेलो जी, कैसे हैं सब लोग? मैं हूं तखार और पार्ट अभी है जाने के। अभी मैं बैठा हूं लगभग एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में, अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा हूं और थोड़ी देर तक मैं निकलने वाला हूं कैंटन ओहियो के। तो आप लोगों ने चलना है, आ जाओ यार साथ चलते हैं। तो फिर फ्लाई किया दिन 1 बजे लगभग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चांदी विंडो सीट्स व्लॉगर के लिए मस्ट है, क्योंकि बादल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। यू 1.5 आवर का सफर तय करने के बाद बिल आखिर आपका भाई डेनवर एयरपोर्ट कोलोराडो पहुंचाया। जी भैया, जानी तो थे घंटे की फ्लाइट के बाद आपको भाई पहुंचाया कोलोराडो में। मैं फर्स्ट टाइम इस तरफ आ रहा हूँ, बट कोलोराडो जो है वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। मेरी डेस्टिनेशन है कैंटन ओहियो। तो अभी ज़रा अपने गेट की तरफ चलते हैं और फिर से बोर्डिंग करवाते हैं नेक्स्ट फ्लाइट। तो ये शॉट बनाते हुए आपके भाई को लोगों ने बहुत ही जज किया। बोर्डिंग करवाने के बाद चल पड़ा मैं प्लेन की तरफ। उड़ान भरी अपनी सेकंड फ्लाइट पे डेनवर एयरपोर्ट टू क्लीवलैंड ओहियो। थाउजेंड फीट अप टू सी लेवल। बादलों के शर्ट बनाने में कोई कंजूसी मत करना। पूरी फ्लाइट में आपके भाई ने सिर्फ मूवीज ही देखी। ये टोरंटो कनाडा का सिटी है जो कि लेक की लेफ्ट साइड पे मौजूद है। दिस सिटी इज क्लीवलैंड ओहियो जो कि राइट साइड पे मौजूद है। बिलाकर 4.5 आवर की फ्लाइट के बाद आपका भाई पहुंच आया क्लीवलैंड ओहियो। जाने तो आखिर 4 आवर्स की लंबी फ्लाइट के बाद आपका भाई पहुंच आया है कैंटन ओहियो। और अभी चलते हैं, लगेज उठाते हैं और फिर होटल की तरफ चलते हैं। यार I'm too much tired। तो फर्स्ट फ्लोर पे आया और अपना लगेज कलेक्ट किया। जाने में अभी बैठा हूँ एयरपोर्ट के बाहर। बाय द वे, मेरी कंपनी और रेंटल कार जो नेशनल रेंटल कार है उनका क्यों फटा, इसलिए मेरे पास कोई कार नहीं है अभी। बट अभी उबर बुलाई है और काफ़ी दूर जाना है यहाँ से। यार आई डोंट नो, फिगर आउट करता हूँ बैठ के। अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। देन 1 आवर की उबर राइड ली क्लीवलैंड टू कैंटन ओहियो। जानी 11 आवर्स का सफ़र करके आया आपका भाई और इंतहा का थक चुका है जानी। बट कैंटन ओहियो आया हूँ 1 वीक मतलब 7 डेज के लिए। 7 डेज 7 स्टोरीज। बट अभी जानी मुझे ये कैमरा ऑफ करना और रेस्ट करना है क्योंकि हालात टाइट हो गए हैं। Johnny, you just check this street, huh? Damn, it's awesome, na? चलते हैं अभी जरा ऑफिस की तरफ, क्योंकि एंजॉय के साथ साथ काम भी तो लाजमी है ना।
परफेक्ट टाइम जाने और आपको बाहर निकला जरा ऑफिस से बाहर थोड़ा सा, क्योंकि लंच करने जाना और बाद में जरा डाउनटाउन में भी घूम लेते हैं। बाद में मेरे सामने बिल्कुल ये एक मॉन्यूमेंट है जो आपके साथ में भी शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये बात बताना लाजमी जाने कि मैं ब्लॉग के साथ साथ काम भी करने आए हैं यहाँ पे। हाँ जी भैया, आप लोगों ने टाउन तो देखा, बट एक बात अगर आप लोगों को समझ आ रही हो या नहीं, बट मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि ये टाउन जो है ये आपके भाई के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे मतलब का नहीं है यार। हाँ, अपने मतलब का डैलस, ऑस्टन, ह्यूस्टन, सैन एंटोनियो और लबक भी यार। हाँ, आई मिस लबक। तो विजर ऑफिस की तरफ से वापस। हाँ जी भैया, मैं हूँ स्टाइल का खान और पाड़ा काश यहाँ पीछे लोग होते हैं। हाँ, बाद में ऑफिस से फ्री हो गया हूँ और जरा घूमते हैं, चलते हैं और थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, कल पूरा दिन आपका भाई सिटी एक्सप्लोर करने में गुजारेगा। जाने के बाद शेयर करूँ, This place is just like a abandoned place. मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है, बट क्या करें, रहना तो है अभी यहाँ पे जितने दिन भी हुआ। अभी चलते हैं और क्रॉस करते हैं रेड लाइट। जानी अब यहाँ पे क्रिसमस का मौसम है तो चेक दिस। जाने देखो, मेरे ख्वाबों में से कुछ ख्वाब थे और ख्वाब ये था कि एक दिन आपका भाई कैंटीन की गलियों से आप लोगों से मुखातिब हो। और हाँ जी, तो मैं एक बात ऐड अप करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और वो ये है कि जानी आप लोगों ने अभी तक जितने शॉट्स देखे हैं वो सिर्फ 3 डेज में आपके भाई ने शूट किए हैं, और मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे 7 डेज रहना था, बट अगले 4 डेज यहाँ पे फुल स्नोफॉल थी और आपके भाई को स्नोफॉल में स्ट्रक नहीं होना था। और दूसरी बात, आपके भाई को रेंटल कार नहीं दी थी, जिसकी वजह से मेरे मैनेजर के साथ बहस हुई और उसके बाद आपके भाई ने फैसला किया कि जानी होटल में स्टक होने से बेटर है कि वापस जाया जाए, और उसी दिन आपके भाई ने फैसला किया कि जानी वापस आए। तो फिर आगे क्या हुआ आप लोग खुद ही देख लो। अभी मैं क्लीवलैंड की तरफ वापस जा रहा हूँ, बट मुझे होटल में शूट करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचना था। हाँ जी भैया, गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग मेरी लास्ट मॉर्निंग है कैंटन में, मतलब लास्ट मोमेंट। अभी मैं वापस क्लीवलैंड की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से मेरी फ्लाइट है लबक की तरफ थ्रू डैलस। तो अभी जानी बैग मैंने बुक करवा लिया लबक के लिए, अभी तरफ चलते हैं और जाके चेकिंग करवाते हैं और फिर बोर्डिंग की तरफ। फिर से आपके भाई ने बोर्डिंग करवाई और चल पड़ा प्लेन की तरफ। यूं मौसम ख़राब होने से पहले आपके भाई ने टेक ऑफ किया क्लीवलैंड ओहायो से। जानी सारे पैसे इस व्यू के हैं यार। इतना प्यारा क्लाउडी व्यू हो और शॉट ना बनाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। सो 3.5 आवर फ्लाइट करने के बाद बिल आखिर आपका भाई पहुंच आया DFW एयरपोर्ट इन डैलस। हेलो
2 hours का स्टे करने के बाद बिलाखर आपके भाई ने अपनी लास्ट फ्लाइट ली TFW एयरपोर्ट डैलस टू लवक एयरपोर्ट। ये कहानी और ये व्लॉग इस फ्लाइट के साथ इख्तिताम पजीर होता है। तो मैं हूँ स्टैन इफ्तिखार और पार्ट अब ये है